Hello dear students, in high voltage engineering we are covering the next topic of breakdown in liquids and this is conduction and breakdown in the liquids. इसपे हम बात करेंगे कि liquid dielectric materials के अंदर breakdown phenomenon कैसे develop होता है and after this how conduction generally start in the liquid dielectric material. This is lecture number 12. स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन क्लिक नहीं करा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन बॉक्स में मिले. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यानी लिक्विड मटेरियल में लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ब्रेकडाउन कैसे होता है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये समझाया है कि वी हैव सेवरल काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, लाइक वी यूज लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द लिक्विड काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर, वी यूज इन द पावर कैपेसिटर, वी यूज इन द स्विच गेयर, वी यूज इन द सर्किट ब्रेकर. इन सभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जब इन सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जब हम वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ दिस हाई स्ट्रेसेस व्हाट विल हैपन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जनरली द चार्ज इज सेपरेटेड एनोड एज वेल एज कैथोड. लाइक जो चार्ज सेपरेट हुए हैं उन चार्ज के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर अगर किसी भी टाइप का इंप्योरिटी डेवलप हो जाए या फिर लाइक गैस बबल डेवलप हो जाए लाइक दिस, तो उस कंडीशन में जो भी मेरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो प्रॉपर्टी है, वो वैनिश होने लगेगी, वो खत्म होने लगेगी ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. लाइक यू कैन सी हियर, जो गैस बबल है इसका शेप डिफॉर्मेशन होने लगा और फाइनली इट विल जस्ट क्रिएट अ कंडक्टिंग पार्ट विद पाथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. और जब भी ऐसा कंडीशन होगा, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कंडक्टिंग पार्ट डेवलप होगा, तो आई कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रेकडाउन. डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रेकडाउन आयोनिक हो सकता है, ये ब्रेकडाउन इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, ये ब्रेकडाउन थर्मल हो सकता है. तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ब्रेकडाउन. ये ब्रेकडाउन किसी सस्पेंडेड पार्टिकल के द्वारा हो सकता है. तो देयर आर सेवरल वेज बाय विच जनरली ब्रेकडाउन अकर्स इन द केस ऑफ लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल. नाउ लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट द कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन इन द प्योर लिक्विड्स. जब हम किसी प्योर लिक्विड मटेरियल के कंडक्शन या ब्रेकडाउन की बात करते हैं, लाइक आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन लिक्विड. अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन लिक्विड के ब्रेकडाउन प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो आई कैन से जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज पे. लाइक दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में गैप सेपरेशन कितना है, हमारा जो इलेक्ट्रोड है जो एनोड और कैथोड है उनके बीच में गैप अगर ज्यादा है, अगर गैप कम है, तो डेफिनेटली जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. ये डिपेंड करता है लिक्विड टाइप ऑफ मटेरियल की विस्कोसिटी कैसी है, लिक्विड टाइप मटेरियल का टेम्परेचर कैसा है. तो देयर आर सेवरल kinds of material, the properties by which a liquid dielectric material depends. Like you can see here, यहाँ पे हमने conduction current as well as electric field के बीच का comparison करा है. Like electric field की जो strength है, it is very high, like megavolt per centimeter, and this is conduction current. अगर हम phenomenon, natural phenomenon की बात करें, तो initially the conduction generally start or after breakdown, the generally conduction start by the principle of ionic. That means this is called electronic breakdown, and after that it will becomes in the saturation mode. ये एक free number of जो free electrons होते हैं due to the impact of that generally this phenomenon occur. And after saturation, when we suddenly when we again increase the electric field strength, then till that the value of current will be very small. That will be a kind of leakage current. But after that there will be a sharp increase in the value of current and very high conduction current will develop. We shows the failure of liquid dielectric material. So this is called conduction as well as breakdown phenomenon and principle in the case of liquid dielectric material. Now dear students, in this table we can see the liquid dielectric strength means electric field bearing capacity, stress bearing capacity of different types of liquid dielectric materials. Like if we talk about hexane, benzene, transformer oil, silicon oil, liquid oxygen, then liquid nitrogen, liquid hydrogen, liquid helium as liquid argon, they all have their own maximum electric field bearing strength capacity.
means like you can see when we talk about a commonly used well, that is called transformer well, then its bearing capacity is around 1.0. It means electrical stress, electric field strength is in 1 point, means 1 megavolt per centimeter. That is quite good. But in the case of high power transformer, sometimes it generally causes the failure of dielectric strength of this liquid dielectric material. Means when we increase the dielectric strength over, means more than that limit, in that case it will comes in the failure condition. So this is about the different breakdown strength of liquid dielectric materials. Now let's talk about the next topic, that is called conduction and breakdown in commercial liquid. We have several kinds of commercial liquid generally we use. There are several other factors which generally impact the breakdown and conduction in the commercial liquid, like gas bubble, suspended particle. There are several other impurities which generally impact the physical properties of the liquid as well as the different kinds of dielectric material. Means in any kind of liquid any kinds of dielectric material, especially in the liquid dielectric material, when it will be chemically pure, then definitely its dielectric strength will be high. When it will be chemically impure, in that case, due to the impact of impurity, its dielectric strength will be low. Now there are several factors which affect the dielectric strength of material, like electronic configuration, like material's nature, material size, and most important, material surface finish. The type of voltage, means what type of voltage we are generally going to apply. It is impulse voltage, it is a steady state voltage, it is transient voltage, and the period of application, means kitne samay ke liye hum use kar rahe hain, like transient as well as a steady state. What temperature generally arises at the time when we apply the high voltage, what maximum value of temperature increases, what pressure is generally there, and there are several other impacts like what kind of aging conditions are there. So these all are called the factors which impact the dielectric strength of the liquid dielectric material. Student, I hope your video aapko samajh mein aaya hoga. If you have any kind of doubt, please write in the comment box. If you have any kind of suggestion, please write in the comment box. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी अगर आपको मेरे तरफ से हेल्प चाहिए, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक फॉर